अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी, नाश्ते के बाद बाहर चलते हैं। आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, 3 बजे तक मैं वेली रही। मैंने कहा मेरा ना दिल ही नहीं कर, मौसम जरा ना सुस्त है, कुछ करने नहीं देता। अब मैं बाहर निकल आई, मैं काम करूँ। सुबह दी मैं जाना सी बैंक, साथ जाना था मैंने रोजमान, वहाँ से मैंने लेने थे किचन की वो जो साफ़ करने वाले होते हैं स्पंज, वो सिर्फ मुझे रोजमान के पसंद है। ते आखरी चलन दिया, ते तुहानू पता चौथे पंजवें दिन मैं ना तकरीबन हफ्ते में एक बार मैं बदल ही लैनी हाँ। तो अगू छुट्टियाँ आ जानियां ने क्रिसमस दियाँ, नवें साल दियाँ। अगे इत्थे जर्मनी में रौनक मेला कोई नहीं हुंदा, 7 बजदे ते रौनक शुरू हो जाती है। जदों छुट्टियाँ आ जाने तो लगता दुनिया पता नहीं कि नुकरे वाड़ गई है। तो पहले थोड़ा जहा कूड़ा है हसबे ममूल नाल लियाई इन्हें सुट्टा गी ये ब्लैक बिच। चलो जी, किन मिन सवेर दी स्टार्ट हुई है, इन्नी हवादारी आती है तो खुल के पै जाए फिर भी है। सारा दिन निकी बारिश होंगी रही, किच पिच करता रहा पूरा बाजार। बच्चे स्कूलों चो आ गए ने, खाना शाना दे आई हाँ मैं, तो हूँ मैं चलनी अपने छोटे छोटे काम करने ने। चावल का सब ने कल मैनू एक ही आंसर दिता है, बहुत शुक्रिया जी, शुक्र है मैं पैकेट खोलिया नहीं। ड्रामा आ रही ने जा रही ने। चलो जी, जिन्ह ने सफ़र करना उन्होंने तो जाना भी है तो आना भी है, जिंदगी इंज चलती है। इधर उधर हो जाने एवं छिट्टे पैन गए इतने, तो फिर भी थोड़े जा परछावा है। हवा देखो किन्नी तेज चलन दी है, तौबा 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 तौबा, ठंडी 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 हवा, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती। चलो चलने, इतने मैं पता नहीं आवाज़ आनी है मेरी किन्नी आनी, मैं भी इन्हें ना बोलती रव। तो मार्केट अंदर जाके तुहानू हैलो हाय कर पहुँच गई हाँ, तो अंदर चलने थोड़ी कार्ड मार के तलाशी तलूशी लेइए बैंक की कुछ है वे कि नहीं। तो आ गए बाहर, इन्ने क है ना कि मैं अच्छी छोटी मोटी शॉपिंग कर सकती हाँ, बच्चे कार च पैसे रह नहीं देंगे, की करिए फिर। मैं तो पहले मैं वेख जावा, मैनू तसली नहीं होंगी, बेशक मैनू पता भी सी कि पैसे है ने, फिर ही मैं नज़र मारनी होंगी एवं कि शर्मिंदगी ना हो जाए काउंटर ते जाके। चलो अंदर चली, सेलां लगी हुई ने ज्वेलरी ते पहला तो नाग ही निकलिया है, नाग ही नहीं है। किन्ने का मशाल लैंदी होंगी है वाला नॉर्मल, तो कोल है भी ये क्या है 5 यूरो का, बस है ये थोड़ी जिनी और नहीं है कितने बैंक से। मैं होकर रोजमान के अंदर दाखिल तशरीफ ले गई हूँ। रोजमान में इतना रश है, इन्होंने ना सेटिंग चेंज की हुई है हमारी, जो रोजमान इनके गलियां बना दी छोटी छोटी पतली पतली सी। वो एक बंदा अंदर कोई चीज़ लेने जाता ना तो दूजा खड़ा रहना कि ये बाहर आए तो फिर मैं अंदर जाऊँ। और ख़ास तौर पर बच्चियों के जो वैगन होती है ना, किंडर वैगन लेके आते हैं, वो तो फिर हाथ ही मुक्की पे है ना। तो बच्चे क्या कहते हैं, इन्होंने साथ साथ बिल्कुल लगा दिए। और वो कल ऐसी हुआ कि वैगन च बच्चा बैठा सी, माँ चीज़ा वेखन दी सी, बच्चा हाथ मार मार के सारी चीज़ें नीचे गिराते जा रहा था, इतनी तंग बनाई है। फिर वो आ गई मार्केट वाली ने कि आपने तेरे बच्चे ने सारा कुछ थले सोड़ता, लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, वो अपने हिसाब से चीज़ें देख रही थी। हूँ इन्नी थोड़ी जगह होए, थोड़ा थोड़ा फासला होना चाहिए ताकि एक दो कम से कम बंदे इंसान जो ना वो अंदर जा सके उस गली में, जो भी कुछ लेना है वेट करना पड़ता है। तो कल ऐसे मैंने देखा, काफ़ी रश था। मैंने कहा हाय छुट्टियां, वही ना बाद में दिमाग में बैठा हुआ। अच्छा तुसी ना जर्मनी में सब तो मुश्किल पता है काम की ला रहा, तुसी वैसे मार्केट जाना है बाजार जाना है नहीं जाना वो तुहाडे ते डिपेंड करता है, लेकिन अगर तुहाडे लंबा वीकेंड आंदा है जां इस दफ़ा इतवार को भी छुट्टी, सोमवार को वैसे क्रिसमस है, फिर मंगल को भी छुट्टी, तीन कट्ठी छुट्टियां आ गई तो इंज लगता हो एवं ही डर बैठा रहता, कोई आ ना जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, कोई बच्चा कोई चीज़ मंग ले तो घर पे ही ना हो, तो इंज एवं इन्हें चीज़ा इकट्ठिया करी जाइदियां। खैर रोजमान में काफ़ी 25% पूरे मेकअप उन्होंने सेल लगाई हुई, अगर आपने लेना है तो जाके ले लें। मैंने कुछ नहीं लेना, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसे फिर आ जाएंगे ये ब्रांड जो है ना इस्तेमाल किया है, वो बायकट कर, वो बायकट कर, बायकट ही किया हुआ है, लेकिन वही ना जब जाते हैं तो दिखाते हैं, शो तो करना ही पड़ता है ना, लेकिन लेते नहीं है।
जो हम भी मुसलमान हमें पता है किस चीज़ को बायकॉट करना है किस चीज़ को नहीं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाला मैंने लेने लगी हूँ हैंड वॉश, जो वॉश में रखा था उसकी ना एक मैंने अलग सी सेपरेट सी शीशी पड़ी हुई थी, जार था वो मेरे मियाँ ने ठा करके तोड़ दिया सुबह उठी उसके अंदर वॉश में थी नहीं, हाथ धो निकली, मैंने कहा कहाँ चलेगी। बाद में मैंने देखा बिन में पड़ा है, मेरे मियाँ कह मैंने ऐसे हाथ डाला है निकालने के लिए, वो फिसल गया था टूट गया। तो खैर मैं अब यही लेके जा रही हूँ प्लास्टर का कि इसी के अंदर है लिक्विड, तो ये रख लेती हूँ बाद में देख लूँगी नए वाला। तो यहाँ से मैं लूँगी अपने हाथ की जो ना क्रीम किचन में रखती हूँ वो ख़त्म हुई है, ये वाले विशाल के व्हाट्सएप पे आ गई थी चीज़ें, जैन जी पता लगा ला मैं किसी ने उदास की नहीं गई मैं कितने चलनी है, जैन जी पता लगा चीज़ें कि मैं ये इस मार्केट में आई तो लिस्ट आ गई लंबी चौड़ी। शैम्पू उस दिन मैं लेके आई थी म्यूलर मार्केट से बहुत सारे, तो ये वहाँ से मुझे नहीं मिला था, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ तो मुझे मिल गया सेल में लगा हुआ है, मैंने दो उठा लिए। तो शैम्पू वगैरह लिए हैं, काफ़ी चीज़ें सस्ती लगी हुई, अगर आपने लेना है तो आपको मैंने बोला ना बुध वाले दिन जाएँ, बुध जुमेरा जुम्मा हफ्ता है 4 दिन यहाँ पे ना चीज़ें सेल में लगी होती है। तो ये मैंने लिए हैं किचन के जो पेपर गीले पेपर होते हैं वो वाले, स्पूल मशीन के टैबलेट थी मेरे पास, मैंने बोला ना 3 4 दिन छुट्टियां तो हमें डाउट के तो ख़त्म ना हो जाए। तो ये मैंने लिया है वाश बर्तन धोने वाले के लिए लिक्विड लिया है ताकि केली चलाए ना उसके साथ थोड़ा साफ़ सुथरे हो जाते हैं, नमक ख़त्म हुआ है वो ले लिया है, काफ़ी कर दे चीज़ा ना काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन इतों मैंने फ़ायदा आया कि मेरे मियाँ का फ़ोन आ गया, कहाँ हैं आप, तो मैंने कहा मैं तो रोज़मान में आया, लेकिन वो घर से ना काम पे गए हुए थे तो उनकी सवार भी शायद इसी तरफ मिल गई थी तो वो बाहर आ गए। मैं हाँ जी तुम बहुत पैसे देने, चलो अगे लगो लिया तो मम्मी फड़ाओ हूने फड़ाओ चलो 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 बारिश होंगी। मैं तो ना कॉफी जाना सी ना कॉफी जाना सी चावल नहीं ऐसी तुम तो चेंज नहीं किए थे तुसी नाल जाना वे मेरे नाक ऑफ च हैं तुसी फिरन तुरन ना आए मेरे नाल, कल मैं इत्थों हवा भरी सी अपनी गड्डी च पहली बारी जिंदगी च हैं इत्थे गए ने, मैं क्या मैं दसा मैं किड्डा वड्डा कल काम कीता सी गड्डी च जिहड़ी हवा टायर च नहीं सी है तुसी के इंज कर ते मैं हवा भरी ਨੇ ਪੈਨਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਈ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਫੜੇ ਯਾਰ ਦੱਬੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਲਾਈਨਰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਵਾ ਫਰੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋ ਲੈਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਜਾਓ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਓ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਐਸਲੈਂਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਪੂਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਕ ਤੇ ਸਪੂਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਛਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 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 ਦੌੜਨਾ ਦੌੜ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਚਅਪ ਉਸ ਲਿਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ है सारा कुछ है सब्जियां वेखन आई है मैं आज की अच्छा मैं दाल बनाई है ना
गोभी वे किन्नी महंगी लाई तनिया शक्कर मैंगो मिलन दे अंब सब्जियां है ही कोई बंदा पूछे कि बंदा पका पका ले ब्रोकली ले ला काली साग बना लेने पालक भी लेनी याद ना ये भी ना ले ला एक पता नहीं मैं कभी शक्कर एक लाया नहीं मैं नाल पाकिस्तान तक आंधी बनाई यदि नहीं कभी बनाई फिर नहीं कहती बनती आह मिठे आलू सूज का ट्रफल चलो चावल लेना है बस में एवं इधर हाथ ला उधर चीज़ा चुकी जाए दियाँ ने जो आ जाए कि सारा कुछ मुक गया चावल कितने पे ने मैं हूँ चावल लेने ने तुसी हूँ चुप रहो एडे मशहूर ने दवो लुकमान बिल्कुल नहीं वेला उन्हें अजकल हूँ तुम पता दे पेपर ने उन्हें पढ़ना नहीं उन्हें पढ़ना वो जानता पढ़न आहो अच्छा इतने तो नहीं है चावल इतने तो चीनी है चीनी माइस बासमती एक चोकलो जेड़ा भी हाँ ना मैं पता लगेगा बरीक वाले मोटे ना हो दूसरे हाँ रेड वाले नहीं वो नहीं सही है सही नहीं नहीं अभी नहीं सही जनाब ठहरो नहीं है बरीक चावल नहीं अच्छा हाँ ये क्या भी चावल नहीं मैं तो अज ही पकाने ने एक बार बस पकाने ने जासमीन भी सही नहीं जासमीन कितने लिखा बास फिश वे नहीं पकान वाली फिश इतु शलाख का नहीं ले लो मैं कल बच्चे ने नूडल ही बना छड़ांगी ए वाले हाँ सच लेना मैं दो तीन ले लो कुछ छुट्टियां ने दो ले लेने चलो और तो बच्चे ने कुछ लेना खाने ये तो फिश वे लो हैं ओ वाली फिश लेनी है ए वाली नहीं लगन दी सही ये तो सालन बना रहा सालन ही कह ले लेने ने चुक ले जे अच्छा बुआ ने जी बंद किया मक्खन ले लो मक्खन पालक लेनी सच है पालक पालश पालश नहीं पालक ब्रोकली लेंदी तो पालक तो लेनी साले वाली फिश सालन जिसको कहते हैं 3 से 6 स्ट्रोक उन्नी हो 400 ग्राम है ठीक है 9 यूरो कुछ दी तो यह हूँ अज का मैं बना लगी सालन देख लो कहता बनता है दूसरे पास ब्रोकली तो पालक बाहर क्ढ़ी है साग बनाना दिल कर बनानी है साग नाल बनानी सालन जो फिश है मेरे मियाँ बस खान गए ये मेरे हसबेंड के लिए है ये सब के लिए साग सारे खा लेंगे तो इधर आटा जोड़ा ना वह भी खत्म होया है बस एक पीड़े का आटा एक पीड़े का जो आटा भी गुनने बड़े काम करने छुट्टियां भी हो जाने बच्चे स्कूल तो हम शुक्र करा छुट्टियां हो हफ्ता एडा लंबा लगन दिया थे ना कि उठे नहीं सी जान दिया बच्चा ठान ले कई और नमाज पढ़ के पै गए खैर हूँ तो नमाज जो मैं 6:30 उठनी है ना उदू भी नमाज टाइम होंगे उदू भी तुम पढ़ सकते हो सर्दियों चाहे तो मौज दो बार नहीं उठना पैंता लेकिन चलो शुक्र है हूं ना नमाज पढ़ा तो लंबा सोव कट ली मैं ये पानी हाँ पानी 2 गिलास तो पालक पा के ना प्रैशर लानी हाँ पहले गल जाए कि ना फिर हौली हौली पकता 6 गिलास पानी पा दिता है हम 2 गिलास मैं पा लगी है इनू लाने प्रैशर प्रैशर ला के एक बार मिक्स हो जाएगा ना फिर मैं प्रैशर खोल दिनी फिर मैं हल्की आँच से ना रख दिनी पकता रहा
चलें जी, प्रेशर मैंने लगा दिया, अगला दिन चढ़ गया माशाल्लाह, सुबह हो गई है तो आज बच्चों को छुट्टियां हो जानी, बड़ी हैप्पी है मैं, शुक्र किया है। तो मैंने आटा जो ना वो डाल दिया मशीन में, साथ अंडे बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मेरी मियाँ साहब नीचे आ गए हैं, साथ मैंने प्रेशर लगाया हुआ है साग को, साग को प्रेशर ना भी तुम ला तो वैसे पका सकते हो। तो मैं होंगे कि चलो वो जो बार बार उठ के चम्मच मारना होता है ना, वो एक टाइम बच जाता है कि ये पिघल जाएगी ना, जब ब्रोकली तो साग पालक मिक्स हो जाएगा, फिर वो ना पकता रहता है आराम से। आटा भी गुन लिया, आटा मुक्या होना तो तुम बड़े कम ला दे, आटा गुजिया होना तो माशाल्लाह एंजला तो सारे कम हो गए। तो खैर ये देखे यहाँ पे ना ब्रोकली मैंने जो देखची में उल्टा ली है, प्रेशर से निकाल के पकती रही है, तुम्हें पता साग किन्ना खलारा पाँदा, इन्ने छिट्टे पाँदा, अगर तो छिट्टा तेरे बाजू तो चला गया तो सच्ची पूछो बड़े बड़े गर्म ला, गर्म तो खैर गर्म चीज़ गर्म ही लगनी पर बहुत ही साड़ पैंता है। तो खैर हरी मिर्चें जो तुर्की मार्केट के ना ये बिल्कुल कड़वी नहीं है, खुशबू के लिए मैं डाल दूँ, तीन बड़ी डाली है मैंने क्रश करके वो डाला है, तीन बड़े चम्मच जो है ना वो मैंने आटे के डाले गंदम का आटा और इसको कर रही हूँ मिक्स। इसके अंदर जाएगा नमक और कुटी लाल मिर्च जाएगी, और जो जो साबुत मिर्च होती है ना, मेरी लाल मिर्च ख़त्म हुई है तो ये देखिए मैंने खुद फ्रेश पीसी हुई घर में रखी हुई है, वो लाल वाली ख़त्म हुई है, मैंने कहा चलो इन्हें पी लेने हैं। तो खैर वो आज मैं लेके आऊँगी, चावल वगैरह भी ख़त्म है, कल मैं बस एमरजेंसी च लिया ही सा। चलो जी इतने मैं दवो इजाजत, वापस आऊँगी कल, अल्लाह हाफिज़।